देख रहे हैं बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आप जिस तरह से जानते हैं कि कल फर्स्ट फेब है और बजट जो है वो आने वाला है, और ऐसे में हर साल की तरह लोगों के लिए सहूलियत जो है लेकर आई जाती है, तो ऐसे में इस साल का जो बजट होगा उसमें क्या कुछ असर पड़ने वाला है और लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं कि इस साल के बजट में उनके लिए अच्छा होगा, तो कुछ लोगों से बातचीत करते हुए जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहना उनका बजट को लेकर। आपका नाम पूजा, पूजा क्या कहना चाहोगे बजट आने वाला है और क्या कुछ उम्मीदें आपके यार इस साल के बजट? देखिए, उम्मीदें तो बहुत है इस बार बजट से, क्योंकि वुमेन्स को हमेशा रहता है कि डेली की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी सस्ती हो जाए, सिलेंडर के रेट जो हैं वो आसमान छू रहे हैं, तो अगर इसमें रिलैक्सेशन मिल जाए, इनकम टैक्स पे रिबेट मिल जाए, साथ ही साथ जो स्कीम्स हैं उसमें अच्छी से अच्छी वुमेन्स के लिए कुछ स्कीम्स आएँ, और स्टार्टअप्स जो लोग करना चाहते हैं, क्योंकि आज हर एक को नौकरी मिलना आसान नहीं है और हर एक को मिले वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसी स्कीम्स निकालती है जिसमें वुमेन्स को स्टार्टअप में अच्छा लोन की सुविधाएं मिले, और बेशक अभी भी हैं बट आई थिंक ग्राउंड लेवल पे वो पहुँच रही है। जी, क्या लगता है चुनाव आने वाले हैं तो उसको लेकर बजट में असर तो देखने को साफ तौर से मिलेगा, तो क्या लगता है लोगों को कितनी सहूलियत जो है मिल सकती है साल के बजट? देखिए, अगर कोई भी चुनावी पार्टी जीतना चाहती है तो उनको कुछ ना कुछ तो जनरल पब्लिक को देना पड़ेगा, अगर वो जनरल पब्लिक को नहीं देंगे तो फिर वो जीतेंगे। क्या कहना चाहोगे बजट आने वाला है और क्या कुछ उम्मीदें हैं खासतौर से महिलाओं के लिए, क्या लगता है कि खास आएगा या क्या चाहते हैं? देखिए, बजट आने वाला है और 2024 के इलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का लास्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी ग्रोथ रेट को रखा है वैसे ग्रोथ रेट मेंटेन रहे। उसके साथ ही काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन है इस ईयर के बजट से, तो मैं महिलाओं के लिए ऐसे चाहूँगी कि ऐसे मतलब आप हर ऐसी स्कीमें कुछ लॉन्च करें जिससे कि महिलाओं को फ़ायदा हो सके, या जैसे आवास योजनाएं हैं, कई सारी दूसरी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं के लिए, जैसे हाउस लोन होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाए ताकि हर एक इंसान को, और स्पेशली इस चीज़ से जो होती है महिलाएं ज़्यादातर अफेक्ट होती हैं, तो उनको इसमें राहत मिल सके। जी, आपका नाम? मेरा नाम सनी कांची। सनी, बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें लगती हैं कि यूथ के लिए, जो युवाओं के लिए बजट में कुछ अच्छा होगा? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे जम्मू कश्मीर के लिए जो भी बजट लाएगी, मैं कहता हूँ इसमें यूथ और हमारे जम्मू कश्मीर के और भी कुछ लोगों की जो मसले हैं उसमें जो बजट में है उनको अगर आप लाते हो तो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड वो चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए, और होंगी भी अगर तो लेकिन ग्राउंड लेवल पे होनी भी चाहिए। यूथ हमारा जो है आज की डेट में सबसे बड़ा जो है वो सफ़र कर रहा है, और यूथ के लिए अगर बजट में कुछ चीज़ें अगर मेंशन की गई हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी जल्द से जल्द जो है वो प्रावधान किए जाएँ, क्योंकि बजट पेश करना या उसको ऑन ग्राउंड या प्रैक्टिकली वो दर्शाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूथ के रिगार्डिंग जो है आप पहले भी देख सकते हैं काफ़ी अगर नौजवानों के लिए नौकरियां आई या उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने की बात की गई, अगर इस बजट के अंदर हमारे नौजवानों को जो है अगर नौकरियां देने की बात करते हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट नोटिस में इसको जो है नौजवानों के लिए नौकरियाँ जो है उनको प्रावधान की जाए और हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जो है वो खुशहाली से जी सके। जी सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें लगती है कि आम लोगों के लिए जो है रात भरी रह सके? पूजा, कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां बजट पेश कर रही है अपनी सरकार का, और खासकर जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो की अगर बात करें तो हल्का एक रिसेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारतवर्ष ने अच्छा किया है, 7% का लगभग जो ग्रोथ रेट अटेंड किया है डिस्पाइट चैलेंजेस। लेकिन आम जनता की अगर बात करें, हर वर्ष बजट से यही आशा होती है कि जो सैलरी क्लास है कि एक राहत मिल सके, खासकर इनकम टैक्स स्लैब में, क्योंकि पिछले 2-3 साल से में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, बेशक रिजीम चेंज की गई, ओल्ड टैक्स रिजीम से नई टैक्स रिजीम में हम आ चुके हैं, और स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर बात करें जो 50,000 रुपये है, आम जनता यही उम्मीद कर रही है कि इसमें लगभग 50,000 से बढ़कर 1,00,000 रुपये तक हो जाए, और जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें भी उम्मीद की जा रही है कि उसमें भी बढ़ोतरी हो, एक राहत सैलरी क्लास को मिल सके। आम जनता की अगर बात करें, युवा इस बजट से ये आशा कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिल सके, व्यापारी वर्ग मंदी के दौर से उभर के आ रहे हैं, वो भी एक राहत के पैकेज की या फिर राहत भरा बजट
मांग सकते हैं। तो कल जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है बजट पेश होने जा रहा, और ऐसे में लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी, और कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई हुई है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ जो है सहूलियत जो है इस बारी बजट में आएगी। तो ऐसे में जो उम्मीदें लगी हुई है, बेरोजगारी की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, तो महंगाई की मार जो है आए दिन लोगों को पड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने ये अनुमान लगाया और ये उम्मीद भी जताई है कि इस पर भी असर मिलेगा, साथ ही साथ युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्य वर्गों के लिए भी कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ जो है वो ज़रूर आएगी। अगले महीने का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। विजुअल से अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स चमो।